आज हम रेफरेंस वेरिएबल के बारे में पढ़ेंगे मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ इज इट विजिबल टू एवरी वन यर्स देखिए स्टार्टिंग में हमने हेडर फाइल से इंक्लूड कर लिया देन वॉइड मेन करली ब्रेसेस क्लियर स्क्रीन ओके अब मैंने इंट वी ए आर नाम का एक वेरिएबल लिया है एक वेरिएबल लिया है जिसका नाम मैंने क्या रखा है वी ए आर दिखाई दे रहा है सभी को उसके बाद मैंने लिखा है इंट एम्परसेंट आरफ इक्वल टू वी ए आर, ओके इसका मीनिंग क्या है इसका मीनिंग यह है कि आर ई एफ से पहले यदि मैंने परसेंट लगा दिया है तो आर ई एफ एक रेफरेंस वेरिएबल बन चुका है इस reference variable की ये खासियत है कि ये same to same अपना जैसा एक दूसरा वेरिएबल बना देगा इसका मतलब यदि आर में कुछ चेंजेस होते हैं तो वो ऑटोमेटिकली कहां रिफ्लेक्ट होंगे वी में रिफ्लेक्ट होंगे आ है चीज समझ में जैसे यदि मैं आर ई एफ की वैल्यू हंड्रेड कर देती हूँ यदि मैं आर ई एफ की वैल्यू क्या कर देती हूँ हंड्रेड कर देती हूँ तो ऑटोमेटिकली वी ए आर की वैल्यू भी क्या हो जाएगी हंड्रेड हो जाएगी जबकि एक नॉर्मल वेरिएबल में ऐसा नहीं होता है ठीक है एक नॉर्मल वेरिएबल में क्या होता है हमेशा असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट होता है एक नॉर्मल वेरिएबल में हमेशा असाइनमेंट कहाँ होता है राइट टू लेफ्ट होता है यदि मैं M परसेंट का यूज़ नहीं कर रही हूँ ठीक है देखिए यदि मैं ये M परसेंट हटा देती हूँ ठीक है यदि मैं ये M परसेंट हटा देती हूँ और VAR की वैल्यू मैं क्या रख देती हूँ फोर्टी फाइव ठीक है मैंने फोर्टी फाइव लिख दी VAR की वैल्यू और मैंने यदि एक नॉर्मल एक असाइनमेंट के तौर पे लिख दिया आर ई एफ इक्वल टू वी ए आर तो वी ए आर जो 45 था वो कहाँ साइन हो जाएगा आर ई एफ में क्लियर है और एक बार को मैं आर ई एफ इक्वल टू 100 को क्या बना देती हूँ कमेंट बना देती ठीक है तो अब ये देखो एक नॉर्मल वेरिएबल है अभी ये रेफरेंस वेरिएबल नहीं है ये क्या है एक नॉर्मल वेरिएबल तो अपन क्या देखेंगे कि VAR की वैल्यू फोर्टी फाइव है तो आरई एफ की वैल्यू भी क्या हो जाएगी फोर्टी तो फाइव करा रही हूँ दोनों का फोर्टी फाइव फोर्टी फाइव आया राइट अब मैं रेफरेंस वेरिएबल के बारे में बता रही हूँ आपको है ना तो मैंने शिफ्ट एम परसेंट करके एम परसेंट को लिख दिया है ठीक है मैंने आर ई एफ से पहले क्या रख दिया है एम परसेंट समझ रहे हो तो अब ये आर ई एफ जो है ये क्या बन चुका है आर ई एफ एक रेफरेंस वेरिएबल बन चुका है ये आर ई एफ क्या बन चुका है एक रेफरेंस वेरिएबल बन चुका है क्योंकि आर ई एफ से पहले मैंने क्या लगा दिया है एम परसेंट लगा दिया है इसलिए आर ई एफ क्या बन चुका है एक रेफरेंस वेरिएबल बन चुका है अब असाइनमेंट राइट टू लेफ्ट नहीं होगा अब क्या होगा आर ई एफ जो लेफ्ट हैंड साइड में है वो अपनी वैल्यू कहाँ असाइन करेगा राइट हैंड साइड के वेरिएबल में अब बाइस वर्सा हो जाएगी चीज ओके तो देखिए आप अब मैं ये कमेंट हटा देती तो वी आर की वैल्यू मैंने क्या रखी थी फोर्टी फाइव रखी थी ना और क्या प्रिंट हो रहा था आरई एफ और वी ए आर दोनों 45 हो रहे थे, बट लगाने के कारण REF क्या बन गया है एक रेफरेंस वेरिएबल और REF की वैल्यू मैंने क्या रखी है हंड्रेड तो देखिए आप क्या होगा अब असाइनमेंट लेफ्ट टू राइट होगा यानी आरई एफ की जो वैल्यू है वो ऑटोमेटिकली वी ए आर की वैल्यू हो जाएगी तो वी ए आर और आरई एफ को प्रिंट कराएंगे तो देखिए आप क्या आउटपुट आता है ऑल टाइप नाइन दोनों में हंड्रेड हंड्रेड आया क्यों आया क्योंकि आरई एफ की वैल्यू ऑटोमैटिकली हंड्रेड हो जाएगी और आर एफ की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी हंड्रेड हो जाएगी क्लियर है okay.